हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आई एम शेयरिंग विथ यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैक्स। या बिकॉज हम लोग के पास जो है, अगर सीसी क्रीम नहीं रहता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं, क्या हम लगाए क्रीम अप्लाई सिर्फ नहीं करना चाहते, तो उस टाइम जो है ऐसा अप्लाई करना ताकि हमारा जो कंसीलर टाइप से भी काम आए, हमारे जितने भी जैसे इवन जैसा टोन लगे हमारा देखने में। तो मैं उसके लिए आप सोल्यूशन लाई हूँ। ये हैक को आप ट्राई कर सकते हो, 100% ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मैंने इसे ट्राई किया है और इसे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो वीडियो पसंद आए मेक श्योर एक लाइक जरूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा बीबी क्रीम। जी हाँ, अगर आपके पास बीबी क्रीम है उसी से आप बना सकते हो कंसीलर, एंड बहुत अच्छा वाला कंसीलर बन सकता है। इसे मैं आपको बना कर भी दिखाती हूँ। तो हमें लेना है बीबी क्रीम। तो मैंने यहाँ पे फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम लिया है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बीबी क्रीम, एंड इसमें मैं मिलाऊंगी लूज पाउडर। मैं यहाँ मिला रही हूँ लैक्मे का मिला रही हूँ लूज पाउडर। तो थोड़ा सा मिलाना है हमें, एंड देन इसे मिलाना है हमें NYB का। मैं यहाँ पर ले रही हूँ सीरम, इसका मैं 1 ड्रॉप इसमें मिलाऊंगी। अगर आपके पास ये सीरम नहीं, एनी ऑयल मिला सकते हो। तो मैं 1 ड्रॉप सीरम मिला रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है, एंड देन इसे अप्लाई करेंगे ना तो आपका बिल्कुल ही जो कंसीलर लगाते हैं आप, कंसीलर का ये कवरेज देगा आपको। अगर आप कंसीलर नहीं बाय करना चाहते हो तो ये वाला है ज़रूर ट्राई करना, और अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो अभी आप ट्राई कर सकते हो इसे। तो हम चलिए, मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। डोंट वरी, आप इसे होल फेस पे भी लगा सकते हैं, बट मैं अभी कंसीलर की तरह ही इसे यूज कर रही हूँ। आप इसे पूरे फेस पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कवरेज देता है। आप देख सकते हो गाइस कितना ये वाइट जैसा आ रहा है। इसको हम अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि ये एक इवन सा टोन मिल जाए। मेरे हैंड पर भी है तो आप देख सकते हो कितना इस पर इफेक्ट आया। ये देखो मेरे हैंड पर भी, आप देख सकते हो इधर और इधर के स्किन में आप फर्क पा सकते हो। तो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर रही हूँ क्योंकि ये नहीं हो रहा था हैंड से अच्छे से। इसके बाद मैं यहाँ पर लूज पाउडर से सेट कर लूँगी इसको। लूज पाउडर जो था हमने थोड़ा थोड़ा हमें ऊपर से सेट कर देना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा सा एक मिल गया है हमें। नहीं लग रहा है कि हमने बीबी क्रीम लगाया है। ये बहुत ही अच्छा आपका, जितने भी अगर आप कंसीलर नहीं बाय करना चाहते हो तो आपका देखिए यहाँ पर एरिया को आपको सही कर देता है, इवन कर देता है, देख सकते हो आप। तो ये एज ए कंसीलर भी आप यूज़ कर सकते हो एंड विद होल फेस पे भी लगा सकते हो, डोंट वरी। ओके, तो क्योंकि इससे जो है जितने भी आपके पैचेज हैं या फिर रेडनेस है फेस पे, कहीं भी आपका जो दाग है वो भी आपको ये हाइड कर देगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और अच्छी लगी हो। हेल्पफुल लगी हो मेक श्योर एक लाइक जरूर करें, एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को।